अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। साथियों, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुंच रही हो तो कृपया बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नेटवर्क में काफ़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी दिनों के बाद पेज पर लाइव आया हूँ मैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स रियली रियली वेरी हाई टाइम टू टॉक अबाउट राइट टू रिकॉल। जैसा कि मैंने टॉपिक पे लिखा है, राइट टू रिकॉल के बारे में बात करना ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज़ आ रही है तो शुक्रिया मोहम्मद नदीम भाई, आप सब लोगों का शुक्रिया। मोहम्मद रईस भाई, हेलो भाईजान, हाउ आर यू। तो राइट टू रिकॉल के बारे में हम लोगों को थोड़ा बात करना है। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो जितनी मेरी जानकारी है मैं उतनी बात करूँगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों में इसकी किसी को जानकारी है तो बराए मेहरबानी आप लोग मेरे साथ जुड़कर ज़रूर इस पर बात करिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, चेक करके। ऑलराइट, नाउ आई एम वेरी फ्री, अब कोई भी काम नहीं है, अब आप लोगों से मैं मुखातिब होता हूँ। ईगरली वेटिंग अमरजीत कौर जी, नमस्कार, कैसे हैं। हरविंदर एस संधू जी, नमस्कार, सत श्री अकाल पाजी, हाउ आर यू। अकरम रज़ा, हैप्पी टू हियर, थैंक यू वेरी मच। गाजीपुरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इट्स रियली वेरी हाई टाइम टू टॉक अबाउट ए लॉ, एक ऐसा अमेंडमेंट अपने संविधान में जिसकी अभी वाकई में बहुत ज़रूरत है दोस्तों, जिसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। यानी कि वो अधिकार जिसको हम चुनते हैं, अगर वो अपने वादे पे खरा नहीं उतरा और उसके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार साबित होता है या भ्रष्टाचारी है, किसी तरह के वो गलत काम को वो करके बैठ गया है वो नेता, तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम उस नेता को वापस से अपनी औकात पर ला के दिखा दें। यानी कि जिस जगह पर वो सड़कों पर खड़े होकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा था कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके लिए सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके लिए देश को बदल देंगे, बेहतर कर देंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए काम करेंगे, ये इलेक्शन से पहले हाथ जोड़कर जो वादे होते हैं नेताओं के, वो वादे पूरे नहीं करने पर इसके बाद से मान लीजिए किसी भ्रष्टाचार, किसी करप्शन और किसी तरह के घुसखोरी में, किसी तरीके के घोटाले में अगर किसी तरीके का नेता का नाम आता है, तो जनता को ये तय करने का अधिकार होना चाहिए कि जिसको हम लोगों ने चुन के पार्लियामेंट में भेजा है वो हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि उसको वापस से पार्लियामेंट से निकाल कर सड़कों पे लाके खड़ा कर दें। ये होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, राइट टू रिकॉल। अब इसके बारे में हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, जब इसके बारे में बहुत सारी सरकारें उठाई गई थी, अगर हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इस देश के अंदर में, इस दुनिया में डेमोक्रेसी को सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज़ माना जाता है, जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो चुने जाते प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के भलाई के लिए काम करते हैं और जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा होता है कि आप अगर बहुत सारे वादे कर गए कि हम आपके लिए सारी चीज़ें कर जाएंगे, सड़कें बनवा देंगे और बहुत सारी बातें कर जाते हैं कोई नेता, उसके बाद से जो हम लोग उम्मीद जो नेता से लगाते हैं, वो नेता क्या करता है कि वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरता, बल्कि किसी तरह के चोरी में, किसी तरह के भ्रष्टाचार में, किसी तरह के करप्शन में वो संलिप्त हो जाता है। तो उस सूरत में हमारे पास 5 साल इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। हमें ये लगता है कि चलो यार, इसको चुन लिया गया है, 5 साल तो अब झेलना ही झेलना है, किसी भी तरीके से झेल जाओ इसको। तो आप समझो कि किसी के ज़िंदगी का 5 साल कितना महत्वपूर्ण होता है, इस पर अगर हम सब गौर करें तो यहाँ पर शैलेश गुप्ता भाई, नमस्कार, शुक्रिया आपका। शैलेश गुप्ता भाई एक डॉक्टर हैं पेशे से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी की ज़िंदगी का 5 साल कितना मायने रखता है एक प्रोफेशनल इंसान अच्छे से बता सकता है, और ये शैलेश भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डॉक्टर सुप्रिया आपको नमस्कार, आप जुड़े। अमित यादव जी नमस्कार, हाउ आर यू। ये सब लोग प्रोफेशनल लोग हैं। किसी की ज़िंदगी में 5 साल कितना मायने रखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई माँ है, कोई पिता है, उसके बच्चे 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जो गोद में होते हैं वो चलने लग जाते हैं, जो स्कूल में नहीं जा रहे होते वो स्कूल के नर्सरी क्लास में जाने लग जाते हैं। इस तरीके से पार्टी चेंज कर ले
कर लेता है। हाँ अमरजीत कौर जी, ये भी एक इसका तो कानून है ऑलरेडी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अभी कानून जो बनाने की है कि वो है राइट टू रिकॉल। किसी एक नेता को अभी आप देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं किसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका के और गोवा के। अब आप सोचो कर्नाटका में क्या ड्रामेबाजी चल रही है कि वहाँ पर आपने चुना दिन भर धूप में खड़े होकर किसी विधायक को कि चलो इसकी जो विचारधारा है मेरे विचारधारा से मिलती जुलती है और मैं इस इंसान को चुन लेता हूँ, ये हमारे समाज के लिए काम करेगा। नमस्कार राज श्रीवास्तव भाई। अब ऐसे इंसान को चुन लेने के बाद वो बड़े शान और शौकत से जब विधानसभा में बैठता है, उसको ये फील होता है कि भैया हम तो अब राजा हो गए, अब हमारे सामने जनता जो है हाथ खड़ा करके एकदम और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर रहे हमारे सामने, हम जो करें वो सही है, वो जायज़ है। तो वैसे नेता जो पल्ला फॉरन में बदल देते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, और अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, ऐसा लग रहा है कि वाकई में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त भारत हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, क्योंकि सारे कांग्रेस के निकल के जा रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी के पास कोई अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे क्या? कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, इस तरह के लोग नहीं मिल पा रहे क्या? जो जिस कूड़ेदान में आपने कचड़े को फेंक दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, फिर उसी को उठा के आप ला के शासन में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे सूरत में जनता क्या करती है? जनता मूर्ख बन जाती है। ऐसे में जनता सिर्फ मूर्ख बनती है, उसको ये लगता है कि मुझे तो ठग लिया गया। ये तो वैसी ठगी है, हम दुकानों में जाते हैं, चीनी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, उसमें ये दिखाई देता है कि बट्टा लगाता है जो दुकानदार, वो तो चोरी छुप के करता है, मतलब कि उसका दिखाई भी नहीं देता। हम तब पर भी उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, अबे यार क्या तुम कर रहे हो, थोड़ा सा बढ़ा कर दो, थोड़ा सा वजन हमारी तरह बढ़ा कर दो, क्यों? और ये जो नेता हैं वो खुलेआम बट्टा लगा रहे हैं, खुलेआम डकैती कर रहे हैं आपके आंखों के सामने, और हम बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ बन के देख रहे हैं कि भैया ये नेता क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नेताओं को वोट देना बंद होना चाहिए। वोट दे दिए अगर तो इनको वापस से सड़क पे लाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। नमस्कार अनुपम भाई, और अगर आप जुड़ सकते हैं तो बताइएगा, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा इस पे बात करने के लिए, जो आप कानूनी तौर पे इस पे बात कर सकते हैं अगर। नमस्कार श्वेता कुमारी जी, कैसी हैं? जय हिंद सद्दाम हुसैन। तो जितने भी लोग हैं ये नेता, इनके अंदर में आखिर कौन सी ऐसी बात है जिससे ये डर नहीं पा रहे? इनको पता है कि जनता को तो हमने मूर्ख बना दिया 5 साल तक, तो अब इन जनता की औकात ही नहीं कि हमारे गिरेबां पे हाथ लगा दे, इस जनता की औकात ही नहीं है कि 5 सालों तक हमें छू दे या हमें कहीं से निकाल दे, है ना? बीजेपी पैसे के बल पर एमएलए को खरीद रहा है। जो भी हो मकसद तो अब इल्ज़ाम आप किसी पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास पावर होगा कि जो पार्टी बदल रहा है, सत्ता बदल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, लोगों के 5 साल जिंदगी का बर्बाद कर रहा है, उसको दोबारा से सड़क पे लाके खड़ा कर दो। राइट टू रिकॉल नीड्स टू बिकम अ लॉ, एग्जैक्टली डॉक्टर फेडरल लॉ नीड्स टू बी अमेंडेड एंड सो डज पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस अनुपम भाई, की पीपुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हम वैदिक काल के बारे में भी बात करें, मेरे ख्याल से अगर अनुपम भाई ने पढ़ा होगा या सुना होगा, या बहुत सारे लोग जानकार लोग होंगे, और भी हमारे हिंदू भाई जो जानकार होंगे, उन्होंने भी वैदिक काल के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर राजधर्म किसको कहते थे, कि जहाँ पर जनता को अगर ये लग जाता था ना कि हमारा जो राजा है ये सही काम नहीं कर रहा, निरंकुश है, ये विलासता में डूब चुका है, ये अब अय्याशी में सिर्फ डूब चुका है, तो वह उस जमाने में, वैदिक काल की मैं बात बता रहा हूँ, उस जमाने में भी जनता का अधिकार होता था कि वो अपने राजा को बदल दे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग, और हम लोग वेद की बात करते हैं, वैदिक काल की ही मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और, अगर एथेंस की अगर हम लोग बात करें, तो एथेंस में ईसा पूर्व लगभग 400-500 ईसा पूर्व, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि वहाँ पर एक ऐसी सामाजिक संरचना तैयार की गई थी कि जहाँ पर अगर कोई नेता या कोई भी इस तरह का पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको साल में एक बार वहाँ पर मीटिंग की जाती थी कि वहाँ पर अगर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं,
और सारे लोगों की मीटिंग बुलाई जाती थी एक महीना पहले, प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता था। मैं ईसा पूर्व 500 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी ये लॉ हुआ करता था, ये तरीका हुआ करता था, सामाजिक तौर तरीका हुआ करता था, और बताया जाता था कि अगर आप अपने राजा से खुश हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश हैं, तो कंटिन्यू रखिए, नहीं तो फिर लोगों की राय लेकर वहीं पर उसको बदल दिया जाता था। एंटी डिफेक्शन लॉ टू नीड्स अमेंडमेंट, एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं और संविधान में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर में एक बार सोच विचार होने की ज़रूरत है। That's another story, Anwar Ali bhai. But agar if somebody is talking about something about Ved or something, so let's take something good from that time. Agar hamare paas Ved ke zamane ka, Vedic kaal ka kuch behtareen agar option hai jo aaj ke zamane mein insano ke bhalai ke liye istemal kiya ja sakta hai, why can't we take it? Why can't we adopt it? It's a very simple thing. To iske alawa, ab isme kya hota hai ki bahut sare log tark dete hain. ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया, शुक्रिया अनुपम भाई। लेट्स टॉक, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अगर आप देखते हैं कि आवाज़ बराबर आएगी तो ठीक। तो अगर आप सोचिए इस बात के बारे में, इसके बारे में पॉजिटिव और निगेटिव हर पहलू पे हम लोग बात कर सकते हैं, राइट टू रिकॉल के बारे में, यानी कि जनता का वो अधिकार जिस डेमोक्रेसी में जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, अपने नेता को चुनती है, उसी जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने नेता को वापस से बैठा दे। तो अब इसमें बहुत बातें करते हैं कि नहीं, इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। जी नमस्कार अनुपम भाई, आवाज आ रही है? डाउट आई आ रही है तो बताइए। परफेक्ट भाई, परफेक्ट आ रही हो रहा है, सुनना चाहता हूँ। छोटे वोट दी कांग्रेस के नेताओं, ठीक है, दे डिड नॉट वांट टू बी पी पार्टी। परफेक्ट। अब जो है ये लोग अगर डिफेक्ट करके वहां चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली द पब्लिक नीड्स टू हैव अ राइट टू रिकॉल की जरूरत है। मैं आपके कंप्लीटली सहमत, और इसमें क्लियर है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और ये होगा क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ ये पुराना हो गया है, इस पे बात हो निकाल के ये लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। अनुपम भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट योर वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस कंप्लेनिंग कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बात सही है कि आपको ईयरफोन के बगैर वाकई में आवाज नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, आप भी चाहते हैं, कोई बात नहीं है, तो हम लोग फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी हैव टू कंटिन्यू ऑन, वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय हिंद भाई। चलिए, तो ये आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है, आ पा रहे अनुपम भाई की क्लियर नहीं आ पा रही आवाज, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये वाकई में जैसा कि अनुपम भाई बता रहे थे कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो भारतीय संविधान में एक हमारा एक्ट है 1951 का, ये बहुत पुराना है, इसको बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कोई वाकई में नई चीज़ नहीं है। अगर फिर से मैं सारी चीज़ लोगों को याद दिला दूं कि आपको याद होगा कि बिहार के एक बड़े ही महान क्रांतिकारी हुए थे, जेपी जयप्रकाश नारायण, अगर आप लोगों को पता होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस वी नो हिम। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में जब संपूर्ण क्रांति का एक आगाज किया था बिहार में, कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा खोला था, जब कांग्रेस के इमरजेंसी और बहुत सारे ड्रामेबाजी वाली बात, और उस समय बहुत ही अजीब तरीके की शासन चल रहा था, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति के जो क्रांतिकारी, उन्होंने क्रांति शुरू करी थी। उस वक्त भी उन्होंने ये बात कहा था कि वी नीड टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ लॉ कि जब हम अपने एमपी, हमारे एमएलए को चुनते हैं, तो हमें उनको वापस से बैठाने का भी प्रावधान होना चाहिए। ये 1974 की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी 1944 में एक बार और भी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी मैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि एक लॉ ऐसा पास होना चाहिए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको दोबारा से बैठा देने का कानून होना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो छोटे लेवल पर 3 स्टेट में, आप लोग स्टडी कीजिएगा इसके बारे में, राइट टू रिकॉल को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। पहला बिहार,
2011 में ऑलरेडी विधानसभा में ये कैबिनेट मीटिंग में ये बात को प्रावधान को लाया जा चुका है कि आप अपने शहरी क्षेत्र के जो म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है ना, नगर पालिका का इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन जो होता है, उसमें आपके पास ये अधिकार है कि 2/3 जनता अगर अपने चुने हुए वार्ड पार्षद को पसंद नहीं करती है, गलत पाती है, वो अपने काम पे नहीं होता है, तो 2/3 ऑफ टोटल वोटर्स अगर लिख कर ये शिकायत देते हैं तो उस वार्ड पार्षद को बैठा दिया जाएगा। ये लोगों को नहीं पता है, शायद 2011 की बात है, ये इसको ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अलावा म्यूनिसिपल एक्ट जो है मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ या मध्य, तीन स्टेट है, बिहार, मध्य प्रदेश और एक कोई और स्टेट है, खैर, तो ये तीनों जगह पर छोटे लेवल पे, यानी कि जो इकाई होती है ना, नगर इकाई इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, उसमें इस कानून को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। लेकिन चूंकि इन नेताओं को पता है कि इससे हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी, इस वजह से इसके बारे में बहुत बात लोग नहीं करते हैं। और ये जो भारत सरकार अभी बैठी हुई है, बीजेपी की सरकार है, सत्ता में है और काफ़ी अच्छे मैंडेट के साथ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि जो अभी खेल चल रहा है ना गोवा में और कर्नाटका में, यकीन मानिए कि ये खेल इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि इस तरह का कानून हमारे देश में नहीं है और ये कभी बनाएंगे भी नहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जिस चीज़ का प्रैक्टिस सदियों से किया जा रहा है, जिस चीज़ का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे बड़े बड़े आंदोलनकारी और क्रांतिकारियों ने कहा है, जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा है ना, कि ये इस तरह का कानून बनना चाहिए। हालांकि नीतीश जी ने इसको अमेंड करके और कानून लाने की कोशिश करने की कोशिश की है बिहार में अपने लेवल पे, कि जो जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना था उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर एमपी और एमएलए के ऊपर भी शिकंजा होना जरूरी है। आप वार्ड पार्षद को लाकर, छोटे मोटे सरपंच को लाकर इस कानून के तहत में बहुत बड़ा असर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो फायदामंद होगा। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात कि जो इलेक्शन में ये जो करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं नेता, कि भैया आप पैसा ये लो, आप पैसा वो लो, उधर दारू पिलाओ, उधर पैसा बांटो, वो करना कम कर देंगे सबसे पहली बात, क्योंकि उनको डर होगा कि क्या पता हम अपने काम को करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है कि लोग हमें हटा दें अपने पद से। पहला फायदा तो ये होगा कि हमारे देश का जो बर्बादी हो रहा है, जैसे पिछले साल इसी साल 2019 के इलेक्शन में लगभग 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इलेक्शन में, ये वो पैसा है, ये इतना पैसा है कि हमारे देश में पूरे राज्य में एम्स के जैसा कई इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं हर राज्य में। हमारे देश का जो स्वास्थ्य बजट है वो 60,000 करोड़ के आसपास है, वो पैसा किधर जाता है कोई आइडिया नहीं, और ये पैसा किधर से आता है नेताओं के पास उसका भी कोई आइडिया नहीं, ये बड़े शर्म की बात है दोस्तों। दूसरी चीज, हर नेता जो वादा करेगा कि भैया हम आपके शहर में नाले बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, कुछ वादे ऐसे करता है जो उसके हक में जो कर सकता है, जिसके पास ताकत है उसके पास वो, लेकिन अगर नहीं करता है तो इसका डर एक रहेगा कि हमारी जनता जो है 2/3 जनता या 1/3 जनता या जितना भी हो, कानून जैसे भी बने, अगर साइन कर देती है और हमारे खिलाफ एक मोर्चा खोल देती है, गवर्नर के पास चिट्ठी दे देती है या मुख्यमंत्री के पास देते हैं ये लोग, तो हमारी सत्ता, हमारा जा सकता है, हमारा सदस्यता जा सकती है संसद का या फिर विधायक का, ये दूसरा फायदा हुआ। इसके अलावा ये जो लोग जो जानबूझकर ठगने का काम करते हैं, पैसे को लेन देन ले करके किसी पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में जाके मिलने का काम करते हैं, ये सारी चीजों पे लगाम लग जाएगा। और हर कानून के निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, निगेटिव असर भी होते हैं, तो कौन ऐसा कानून है अपने हिंदुस्तान में जरा बता दीजिए कि जिसके निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते? कौन ऐसा कानून है हमारे देश में जो बना हो और उसके नजायज इस्तेमाल नहीं किया गया हो? कोई भी कानून आप बता दीजिए, हर चीज का, चाहे वो चोरी का कानून हो, चाहे वो बलात्कार का कानून हो, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का कानून हो, कौन सा ऐसा कानून है जिसमें गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल कानून है, दल बदलने वाला कानून है ऑलरेडी विनोद भाई, लेकिन उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो तब तो। मुझे अभी इसके बारे में एग्जैक्टली पूरा डिटेल नहीं याद आ रहा, मैं किसी और दिन इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा, लेकिन ये राइट टू रिकॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव टू टॉक अबाउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके बारे में बात करते रहिए, कब तक लोग नहीं करेंगे? वैसे भी हमारे आपके पास दूसरा कोई काम तो है नहीं,
कुछ लोग हैं जो नेताओं का झंडा उठाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी भक्ति में लगे हुए हैं। तो कम से कम जो जहां है, अब जैसे अनुपम भाई जुड़े हुए थे ईवीएम के खिलाफ, इन्होंने लगातार मोर्चा खोला रखा है, और ये जो ईवीएम खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, हालांकि मैं चाह रहा था कि राइट टू रिकॉल के बारे में ही हम लोग बात करें, और कुछ लोग अगर जुड़ सके तो उसके बारे में बात करें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हो सकता है कि कानून आ जाए 2021-22 तक, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में लगी हुई है कि एक साथ हर इलेक्शन को कराया जाए, यानी कि विधानसभा और लोकसभा दोनों। हालांकि पर्सनली अगर मेरी बात मानिए तो यकीन मानिए कि इट्स अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया कि अगर आप देश में नजायज़ जो पैसा खर्चा होता है वो उस पर थोड़ा सा लगाम लग जाएगा, लेकिन ये तभी कामयाब होगा जब ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर पे इलेक्शन होगा। क्योंकि जब तक ये ईवीएम मशीन होगा इसमें चोरी किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, इसमें छेड़खानी किया जा सकता है, और कुछ लोग इसके नाम पर देश के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं बाहर में बैठकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है जनता को जागरूक बनने की ज़रूरत है। अपने आसपास जो भी जानकार लोग हैं, कानून के जानकार लोग हैं, लॉयर्स हैं, अच्छे अच्छे कानून के जानकार के अलावा जो राजनीति के जानकार हैं, उनसे बात कीजिए, मिलिए, लोगों के अंदर में एक आइडियाज़ को क्रिएट कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमारे देश के अंदर में राइट टू रिकॉल, हालांकि इसके बारे में केजरीवाल सरकार ने बहुत हंगामा किया था पहले, मुझे जहां तक याद है 2014-15 में या 2013 में, कि इसका होना चाहिए, कि राइट टू रिकॉल को लाना चाहिए। विनोद गौतम भाई आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था लेकिन आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार आपको जुड़ने के लिए, फिर उसके बाद से मैं कोई और अगर जुड़ना चाहता है, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑन कर दे रहा हूँ जुड़ने के लिए, है ना, ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया प्रिय शर्मा जी। और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है जी। गौतम भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, आवाज नहीं आ रही गौतम भाई। मुझे लग रहा है हम लोगों ने जो लीड का, आप सही है, अभी सही है। तो क्या कहेंगे राइट टू रिकॉल के बारे में, आपका क्या एक परसेप्शन है, क्या इसकी संविधान हर जो राइट और आवाज आ रही है, आप मोबाइल को एक जगह रख के कंटिन्यू बात कीजिए, आवाज आएगी, आवाज आ रही जी। गौतम भाई क्या कहना चाह रहे हैं, मैं एक बार लीड देखता हूँ, मैं दोबारा से कनेक्ट होता हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल आइए, मैं इंतजार करता हूँ आपका, तब तक किसी और साहब को जोड़ लेता हूँ मैं, आप आइए मैं जरूर आपको जोड़ूंगा, ठीक है। आई डोंट नो, बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और मैं एक्चुअली जिस जगह का रहने वाला हूँ यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है इंटरनेट का। किसी और को जुड़ना चाहते हैं, राइट टू रिकॉल के बारे में बात करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि एक एक टॉपिक पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यकीन मानिए इससे कुछ सॉल्यूशन निकलता नजर आएगा, लोगों में जागरूकता नजर आएगी, जड़ से समस्या अगर हल हो सकती है तो करना होगा। एग्जैक्टली डॉक्टर कपूर, वी हैव टू वर्क ऑन इट, एंड जो भी जानकार लोग हैं या कानून के जानकार लोग हैं इसके बारे में बात करें, क्यों नहीं हो सकता है, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा कानून है जिसका नजायज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा कि कोई आदमी चिढ़ में, गुस्से में अगर कोई एमपी बना है तो उसके खिलाफ राइट टू रिकॉल करेगा, उसके पास ये अधिकार होगा कि जाकर 1/3 या 2/3 या फिर हाफ से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर ले और वो जाकर उसको साबित करे, ये बहुत कम होगा, लेकिन ये कानून का डर होना चाहिए इनके अंदर में। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। चिरंजीत अंगल हैज सेंट मी द रिक्वेस्ट, आई हैव एक्सेप्टेड इट, लेट्स टॉक एंड लेट्स सी हिज व्यू ऑन इट। चिरंजीत सर आपको मैंने भेज दिया है रिक्वेस्ट, और ये जो राइट टू रिकॉल है दोस्तों, इसका जो लोग अभी जुड़े हैं, अनवर अली भाई मैं जोड़ता हूँ आपको, अगर चिरंजीत साहब का अगर जुड़ जाता है तो 5 मिनट के बाद मैं आपको जोड़ता हूँ। तो राइट टू रिकॉल का मतलब ये हुआ कि जो जनता ने जिस नेता को
Anything else to have to say to please people? I think your voice is coming to me. It's the cracking coming in. I think it's your side, not my side, because I'm not using headphones. I'm not using headphones. I don't have any problem with that, with the cracking thing. आपके पास आ रहे problem in India is the Indian people are the most corrupted people. Don't worry about politicians. Indian people. This is in our blood. आपको मैं बात बताऊं कि अगर हम इधर बाहर भी ना हमारा जोर चले तो हम उसको भी इंडिया बना देंगे जहां Yesterday, two days ago, I came from Punjab. His name is Balkej Pannu. He's very good. Patrakar hai, Punjabi ka. Very famous guy. He had rape ka jam laga tha, and he was 4 years and his passport was taken over and he couldn't travel. And now he's court system clean chit free man. He's everything clear. He's not guilty. मेरा बात है कि उसने बोला कि जो इंडिया का सिस्टम है हम बोलते हैं हम पंजाबी लोग हैं हम वहाँ रहते हैं न्यूयॉर्क में कैलिफोर्निया में हम बोलते हैं मिनी पंजाब है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी है हम पंजाबी लोग कहते हैं मिनी पंजाब है उसने बोला ही सेड पंजाब कैलिफोर्निया पंजाब is in a very bad situation. Don't give us examples. That views are. And my eyes opened, and I thought, his meaning was, don't make this place Punjab or California. Exactly. That is, how do you say now in Punjab? I don't know your side. You say, that's my old people. That we don't know how to manage. We are cracked. You're disconnected, Chiranjeet Uncle. आप disconnect हो गए हैं और I don't know क्या problem हो रही है seriously मैं एक बार और try करता हूँ आपको जोड़ने की क्या technical problem है I don't know इसके अलावा और भी कोई ढूंढना चाहता अनवर अली भाई आपका वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे सामने में तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार फेसबुक से बाहर निकलिए यानी कि एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए दोबारा से आप आइए फेसबुक पर तो शायद आपके पास कैमरे का ऑप्शन आ जाए मेरे को दिखाई नहीं दे रहा आपको तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम चल रहा है किसी की आवाज़ साफ नहीं आ रही है कोई जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी चिरंजीत अंकल ये काफ़ी एक्टिव इंसान है पोलिटिकली इज़ वेरी साउंड एंड इनकी जो विज़न है ना इनका जो विज़न है ना वेरी क्लियर अबाउट इंडिया अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स और इन्होंने बहुत अच्छा मतलब बाहर विदेश में रहते हैं लेकिन इंडिया में आकर वक्त वक्त पे बहुत ही वक्त बिताते हैं और देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो जो लोग अभी जुड़े हैं आई विल लेट यू नो कि हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है राइट टू रिकॉल यानी कि अगर आपके पास ये अधिकार है कि हम किसी नेता को चुनते हैं तो ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम उस नेता को दोबारा से उसकी औकात उसकी जगह पे दिखा दें यानी कि बैठा दें क्योंकि अगर वो इंसान गलत साबित होता है अगर वो इंसान अपने वादे पर पक्का नहीं उतरता है तो ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि ऐसे नेता के पीछे हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें 5 साल एक सड़क को बन जाने में जिससे कई हादसे हो रहे हैं आज भी मैंने एक पोस्ट शेयर किया था मेरे वॉल पे आप लोग देख लीजिएगा मुझे वीडियो बनाने में देर हो गया वो रिक्शा ऑलमोस्ट पलट चुका था आधा पे आ गया था
और पलटते पलटते हम लोग जैसे निकलने वाले थे तब तक वो दो तीन लोग उधर से पकड़ कर रिक्शे को बचा ली, उसमें दो तीन औरतें बैठी हुई थी। वो हादसा बड़ा हो सकता था। अगर ऐसे में कोई 5 साल में नेता काम नहीं कर पा रहा तो क्या हम ऐसे नेता को अपने पास बनाए रखेंगे? क्या हम ऐसे में नेताओं को अपने पास? जी चिरंजीत अंकल, आपका रिक्वेस्ट दोबारा से आपने भेजा है, ओके मैं ट्राई करता हूँ। लेट्स ट्राई, अभी किसका रिक्वेस्ट आया है? ओके अनवर अली भाई का, चिरंजीत साहब का, ओके। तो अनवर अली भाई, आपकी मैं बता रहा कि आई कांट ब्रिंग यू ऑन कैमरा, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। तो ये जो राइट टू रिकॉल का है कॉन्सेप्ट, ये आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से है। इसके बारे में कई लोगों ने बात, सोमनाथ चटर्जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी इसके बारे में कहा था कि एक कानून को, इस तरह के कानून को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ भयंकर मोर्चा खोला था, संपूर्ण क्रांति का इन्होंने एक आगाज किया था, उन्होंने कहा था कि ये कानून बनना चाहिए कि राइट टू रिकॉल का। इसके बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बात कही, बताया कि ये राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता के पास होना कितना जरूरी है। आप सोचो ना, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। उसके बाद से देखो जिस तरीके से धंधा चल रहा है वो कर्नाटका में और गोवा में। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम, आदाब, नमस्कार, क्या हाल चाल? सलाम महमूद अली भाई जी, मेरा नाम सैयद दानिश हैदर है, मैं आपके लाइव में पहली बार आ रहा हूँ जी। शुक्रिया, वेलकम आपका जी। तो क्या आपके टॉपिक, आपकी टॉपिक मुझे बहुत पसंद आई जी, टॉपिक मुझे बहुत पसंद आई। तो एक सोच जो हमें 50 साल पहले आनी चाहिए थी, 70 साल पहले आनी चाहिए थी, आज ही आई है। तो इनफैक्ट इंटरनेशनल डेमोक्रेसी से लेके नेशनल डेमोक्रेसी तक जो है मैं काफी फॉलो करता हूँ पॉलिटिक्स के लिए, जो मिडिल ईस्ट में होता है और जो अपने देश में होता है और जो जर्मनी में हिस्टोरिकल हुआ उससे लेके नाजीज्म हो या कम्युनिज्म हो, सारी चीजों पे मेरी नजर है और काफी चीजों पे मैं तफसरा देते रहता हूँ। मेरी फेसबुक लाइव पे भी देते, मेरी फेसबुक लाइव तो पर्सनल है नहीं, okay. तो मैं देते रहता हूँ, जब भी मौका है तो मैं कमेंट्स में और बहुत सारी जगह पे मैं देते रहता हूँ। ये अपना जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप इसकी कीजिए, मैं बस एक सेकंड में आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज जी। जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये शुरू से ही इसकी एक डीमेरिट रही है, इसकी एक डीमेरिट रही है। वेस्टर्न डेमोक्रेटिकल सिस्टम में क्या है, बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल जो है ना वो पॉलिसी बनाई गई है, वो सिस्टम बनाया गया है। तो ये हर हर कंट्री में मैं कहता हूँ कि ये लिखित के हद तक सही है, जब तक कि अपनी वोटिंग पूरी नहीं हो जाती और कोई पार्टी हो या नेता हो जीत के नहीं आ जाता पर्दे पे, तब तक के हम इस पे सही रहते हैं कि मतलब बाय द पीपल होता है, टू द पीपल होता है, फॉर द पीपल होता है। जब वो जीत के अपनी सत्ता पे आ जाते हैं तो पीपल्स हैव नो राइट्स टू पॉइंट देम, टू पॉइंट वो अपना सर अबाउट देम, हाँ या तो वो सर पे आके बैठ जाते हैं, है ना। तो वो पांच साल तक जो है ना वो मुड़के भी नहीं देखते कहीं। अच्छा, एक चीज मैं करना चाहूंगा, जैसे चिरंजीत अंकल है यूएसए में रहते हैं या लंदन में रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, यहाँ जुड़ के देखते होंगे, कैनेडा में और अमेरिका में, अमेरिका के बहुत सारे अलग अलग जो प्रोविंस हैं या अलग अलग जगह, जैसे वाशिंगटन डीसी हो गया, जॉर्जिया हो गया, बहुत सारी जगह पे राइट टू रिकॉल ऑलरेडी वजूद में है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जी जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होता ये है, अब होता ये है कि चलो भाई वो आते हैं नेता, आपके पैर छूते हैं, आपके मतलब पैर पकड़ते हैं, आपसे जो भी करते हैं, वादे करते हैं, जो भी करते हैं, वो अपनी जगह पे है, बिल्कुल ठीक है। तो जब वो जीत के आ जाते हैं तो दे विल थिंक देमसेल्फ एज अ डिक्टेटर, एग्जैक्टली, दे आर नॉट डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड पर्सन,
असल में जो है नेता जो है एक सर्वेंट होना चाहिए। जैसे मैं सिंगापुर में रह चुका हूँ, तो सिंगापुर में क्या है, गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, ही इज लाइक अ सर्वेंट। 5 सेकंड के लिए बिजली जाती है तो ही विल कम ऑन लाइव टीवी एंड ही विल आस्क सॉरी टू अस पॉपुलेशन, वो माफी मांगता है कि ये प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम 2 सेकंड के लिए बिजली चली गई थी, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमारे देश में तो कोई अपनी समस्या को लेकर नेताओं के सामने आ जाती है तो उसको जूते से मारा जाता है, आपको याद होगा बीच में एक वीडियो आया था। जी, एक्चुअली वो एक वीडियो आ गया है, इसके अलावा जो है सारी चीजें ऐसी ही होती है। हमारे यहाँ पे एक केस होता है तो उसके पीछे इंसान की जिंदगी निकल जाती है, केस का सॉल्वेशन नहीं होता। सही बात है। अब जिंदगी निकलने के बाद में वो फैसला लेके आदमी क्या करेगा, खबर में लेके जाएगा। सही बात है। तो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे सिस्टम बनाना नहीं चाहते ये लोग, इसलिए बनाना नहीं चाहते। अगर वो सिस्टम बनाएंगे तो ये खुद फंसेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सवाल ही नहीं है कि ये यहाँ पर ये कानून बना दे, क्योंकि हालांकि बीजेपी इस वक्त बिल्कुल अच्छे मैंडेट के साथ है, वो फिर भी इस पर नहीं कानून बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं की गर्दन पकड़ी जाएगी या कोई भी। हालांकि अगर ये वाकई में देश प्रेमी होते, इनको लगता कि जनता का राज होना चाहिए, इनको लगता कि जनता को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए, तो ये इस तरह के कानून बना चुके होते। जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भाई साहब, अपना बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बता दूं, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं मेरा जो है, मेरी रिसर्च जो है। आपने जो है आधार लाया, यूनिक आइडेंटिटी लाई तो बहुत अच्छी है, उसमें बायोमेट्रिक भी दिया आपने, सिस्टम दिया, बहुत कुछ किया आपने, और करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट के खर्च हुए। ये होना भी चाहिए, ये बहुत पहले होना चाहिए था, फॉरेन कंट्रीज में जो है ऑलरेडी है। या, तो हाँ जी, दूसरी चीज, आधार लाने के बाद में आपने आधार से जो है बैंक को जोड़ा, राशन कार्ड को जोड़ा, टैक्स को जोड़ा, प्रॉपर्टी को जोड़ा, आप मतलब गैस को जोड़ा, मतलब जितनी भी जरूरी इंसान की सुविधाएं हैं सारी चीजों को आपने आधार से जोड़ दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है, आप इलेक्शन को क्यों नहीं जोड़ते, इलेक्शन आइडेंटिटी को क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि ये धांधली नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। दे कांट चीट, दे कांट डू अप एंड डाउन्स इन द इलेक्शन टाइम, तो वो क्यों उसे अलग रखा है, मेरा तो सवाल है सबके लिए। सही बात है। देखिए, ये तो एक अलग बहस है, एक टॉपिक अलग है कि आपको जी अलग टॉपिक है बनाने के लिए क्या। हाँ, लेकिन मैं ये आपको पीछे का जो कॉन्सेप्ट है मैं ये बता देता हूँ कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ये होता है कि जो वोटिंग होता है वो हर एक इंसान का अधिकार है जो एलिजिबल है, लेकिन अकाउंट खुलवाना ये कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, और ना ही अगर आप खुलवाते हैं तो इससे कोई फायदा है या नहीं खुलवाते तो नुकसान है, समझ रहे हैं। लेकिन वोटिंग आपका फंडामेंटल राइट है, इस पर अगर हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका वो फंडामेंटल राइट का हनन हो तो उसको वो लोग एक बहाना कर लेते हैं। हालांकि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप जितना फेयर बना सके, जितना ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ये बेस्ट है हमारे देश के लिए, है ना जी। तो एक तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और अपना मेन, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। जी जी, 2 मिनट। जी जी, प्लीज ब्रदर, बोलिए। वालेकुम सलाम अरमान भाई, आपकी आवाज कट रही है। दे वांट टू एक्ट एज ए डिक्टेटर, इनफैक्ट दे आर एक्टिंग लाइक दैट। Exactly. तो अपने देश में मेरी राय ये है, अपने देश में भी जो है ये आप जो कह रहे हैं राइट टू रिकॉल, हाँ राइट टू रिकॉल जो है होना चाहिए। तो जैसे वोटिंग होती है वैसे रिवर्स इसको करके, अगर लोग बेजार हो गए इससे या कोई लाइक नहीं कर रहे तो उसको रिवर्स करने के भी अधिकार होना चाहिए अपने। बिल्कुल। अगर ये अधिकार आ जाता है तो बहुत कुछ डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर आजकल जो है, खासकर 2014 के बाद में जो राजनीति में बदलाव आया, ये बदलाव देश को जोड़ने वाला नहीं है, देश को तोड़ने वाला। सही बात है। ये दुखद बात है कि ये लोग जो कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कोलैप्स
अवर कम्युनल फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री एग्जैक्टली एग्री तो ये धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन हो गया ये मानो मैं ये समझता हूँ आज के हालात जो अपने देश में है ये इमरजेंसी जैसे हालात है ये घोषित नहीं है नॉन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी कह सकते हैं आप इसको एग्जैक्टली अब होता ये अब जब राइट टू रिकॉल नहीं होता तो ये लोग अपनी मनमानी करेंगे ऑब्वियसली सही बात है ऑब्वियसली मनमानी करेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि आपसे आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आप इस पर मुहिम चलाई जाए और जितना हो सके उतना कोशिश किया जाए और सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोग जो ये मानसिकता रखते हैं कि देश के लिए सही से खिदमत करनी होगी वैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए मैं आपको ये बात बता दूं बिल्कुल करना चाहिए और अच्छा आदमी आकर देश की सेवा करना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं जी जी अच्छा आदमी जो है ना अच्छा आदमी आज पॉलिटिक्स में आता नहीं है वो इसलिए नहीं आता इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को इतना करप्ट और गंदा कर दिया कि जो हॉनेस्ट आदमी है इसमें आने से डरता है अपना ईमान बचाने के लिए अपना स्वाभिमान बचाने के लिए सही बात जैसे मेरी कर लो बात 15 साल हो गए किसी पार्टी के पीछे मैं जयकारा करती बस वोटिंग टाइम पे वो मेरा सिटीजन का हक है वो मेरी मजबूरी है कि किसी ना किसी को तो चुनना ही पड़ेगा तो मैं देखता हूँ कि कौन सबसे किससे बेहतर है अच्छा तो कोई है नहीं हाँ तो उसको देख के मैं वोटिंग करता हूँ घर पे आके सो जाता हूँ किसी के जीतने की खुशी नहीं मनाता किसी के हारने का दुख नहीं मनाता ये इसलिए कि मैं पहले स्टार्टिंग जब गया था तो मेरे बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई थी है ना इसलिए तो मैं अपने देशवासियों से कहता हूं कि इसके ऊपर विचार करें और काम करें और मेहनत करें खास करके ईवीएम को हटाने की भरपूर कोशिश करें पूरी अपनी टीम पूरी लगी हुई है इस पर और रोज आज ही हमारे साथी जो हैं अनुपम त्रिपाठी भाई ये हमारे जी जी जी, जी, जी मैं उनको फॉलो कर रहा हूं ये जी जी वो गए हुए थे हालांकि कल मुझे 15 तारीख को वहां होना चाहिए था लेकिन मुझे कुछ अपने पर्सनल इशू की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं कल भी एक और बहुत बड़ा मुहिम वहां से निकल रहा है दिल्ली बंद हो रहा है बहुत सारे जानने वाले लोग कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ तो जितने लोग दिल्ली के लोग अगर सुन रहे हैं तो ज्वाइन कीजिएगा आई सपोर्ट यू आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम बट आई नेवर फील टू कम ऑन लाइव बट आज जो आपने टॉपिक सुनाई इससे शुक्रिया आपका और आपको मैं चाहता हूं बार-बार आइए और जुड़ते रहिए और बात कीजिए ठीक है बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जय हिंद जय कर्नाटक जय जवान जय किसान जय हिंद बहुत शुक्रिया आप कर्नाटक से हैं तो जिनका अभी कमेंट एक मैंने अभी देखा है नाम है इनका संजय सबरीवाल साहब इट इज मस्ट बट इन भारतीय संविधान वी हैव नो एक्ट ऑन दिस नीड अमेंडमेंट विद द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन फ्रॉम ऑल स्टेट असेंबली देन इन द संसद विच इज नॉट इजी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज सिंस 1950 हिंदी कैन not accepted by south states Sanjay Sabriwal bhai you should know that ki ye koi aisi baat nahi hai ki ye bharatiya samvidhan mein jo hamara people representative act hai representation of people act 1951 usme amendment kiya ja sakta hai aur jo satta mein is waqt baithe hue hain unke paas pura adhikar hai power hai aur bahumat mein hai wo la sakte hain pehli baat to ye और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि राइट टू रिकॉल ऑलरेडी 3 स्टेट में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है वो पहला है बिहार दूसरा है आपका मध्य प्रदेश तीसरा है शायद छत्तीसगढ़ मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा मैं एक बार सर्च कर लेता हूं गूगल पे आपके सामने ही इसके बाद से ये 3 स्टेट में ऑलरेडी किया जा चुका है लेकिन जो राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल एमपी एमएलए के खिलाफ किया जाना था यानी कि एमपी एमएलए को कंट्रोल करने के लिए किया जाना था वो छोटे निकाय लेवल पे हुआ यानी म्यूनिसिपल लेवल पे यानी कि वार्ड कमिश्नर वार्ड पार्षद जो होता है उसको अगर आप करते हो तो उस लेवल पे किया गया है इसका लोगों ने विरोध भी किया हमारे यहाँ बिहार में 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा लेकिन इसका क्या अभी रिजल्ट है आई रियली डोंट नो कि अभी तक इसका जमीन पे क्या असर है ना ओके अभी चिरंजीत अंकल अगर आप हैं तो आप ज्वाइन कीजिए एंड उसके बाद से मैं फिनिश करूंगा प्रोग्राम को 1 घंटा से ज्यादा हो गया है तो ये कौन 3 स्टेट है मैं अभी देख लेता हूँ तब तक अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट टेक कर दीजिए एक्सक्यूज मी अनवर अली भाई को फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूं रियाज खान भाई वाचिंग क्या हाल है रियाज खान भाई थैंक्स वेरी मच गिव मी सम टाइम अगेन
थैंक्स वेरी मच. यू वेलकम. थैंक यू. थैंक यू. बात ये है कि इंडिया जो लीडर है ना, नो वन इज देयर टू सैक्रिफाइस फॉर हिमसेल्फ. उसका जो प्रोटेक्शनिज्म है उसका निजी है, निजी काम के लिए वो काम करता है और उसने करना है जो हम जट हैं, हम पंजाबी हैं, हम इसके लिए काम करें और फॉर मनी, नथिंग एल्स. जब लीडर जो लीडर आप अच्छे लीडर थे, जब आजादी मिला देश को, वो सामने नहीं आए ना. जो नेहरू कांग्रेस उसको आगे नहीं लेके आई. नेताजी सी एंड उसकी फैमिली एंड हिज यंगर ब्रदर, ही वाज द बेस्ट लीडर फॉर इंडिया. इफ दैट फैमिली वाज इन्वॉल्वड फॉर फ्रीडम एंड ही इफ दैट फैमिली वाज इन्वॉल्वड इन गवर्नमेंट, आज इंडिया की जी सिचुएशन थी बहुत डिफरेंट होनी सी. And it's a sorry for Indian. I'm Indian, and I'm sorry for India. We could not get the right person. जो सब धर्मों को, सब जातियों को सामने लेके आता और बराबर रखता. First, जे देश को जे right call करना है, जे वो करना है, जितने मर्जी law बनाए जाओ आप, do what you want, make a law and law, just change it. Change one line to other line, like step one, step two, step three, step four, steps. Nothing going to change. And nothing going to change. Do what you want to do. Doesn't matter how many hungry people. Doesn't matter how many people come to the roads. Doesn't matter how many days you close the country. They're not going to change the place. They're not going to. First, we have to, in India, if we want to go further, we have to cut all this untouchable caste system. Caste system, how it will change? With education only. Nothing else. Exactly. को पानी दे दो, जिस किसी को वोट का अधिकार दे दो, जे किसी को हमने पोस्ट पाया था, give me education first, then you give me vote, then you give me right for vote. और अंकल पता है, अंकल पता है, आपने देखा, I will interrupt you for 2 minutes, sorry. Yeah, please. ये हाथ से मोबाइल है ना, phone. हमारे देश में only education. If you ask your leaders, please give me your education, nothing else. I don't want any reservation, I don't want any money, I don't want any food, I don't want nothing. Once I got education, you believe me, country will change. Thanks very much, and God bless everyone. तो साथियों, ये जो है राइट टू रिकॉल, आई डोंट नो कि इंटरनेट में क्या क्या कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, फिर इसके बारे में किसी दिन हम लोग बात करेंगे. लेकिन अभी जो मैंने इनसे बात कहा, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही थी, मैं खुद भी सुन रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो राइट टू रिकॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि नेताओं को वापस से सड़क पे ला के खड़ा कर देने का भी अधिकार जनता के पास होना चाहिए. अगर जनता उसे चुनती है तो उसको वापस से उसको हटाने का भी अधिकार होना चाहिए. ये राइट टू रिकॉल है और ये बहुत जरूरी है. इससे बहुत फायदा भी है, बहुत फायदा है, और एक दो छोटा छोटा नुकसान है. मतलब वो नुकसान जो है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल है नुकसान को, ये बिल्कुल हम लोग ये किया जा सकता है. तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जैसा कि अंकल ने अभी बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि आप पहले एजुकेशन दो हमारे बच्चों को.
आप हाथों में क्या कह रहे हो कि इंटरनेट फ्री ले लो, जियो वाले लाकर मोबाइल 200 रुपए में दे रहे हैं, फ्री में लाइफ टाइम इंटरनेट फ्री मिल रहा है, क्यों? आप कुछ एजुकेशन देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन बच्चों के फौज को जो गंवा रहे हैं, जाहिल हैं, इलिटरेट हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन लोगों को ट्रोल बना रहे हैं। ऑनलाइन आप एक फौज तैयार कर रहे हैं जो महिलाओं को गाली दे, जो बदतमीजी करें, जो देश को नुकसान करें, जो गुंडागर्दी करें, जो हैक करने की बात करके लोगों को बेवकूफ बनाए और गद्दारी करें। ये सारी चीजें जो है ना, ये इंटरनेट अगर आप फ्री में किसी को दे देते हैं तो यही होगा और लोग बेवकूफ बन जाएंगे। आप एक ट्रोल का फौज खड़ा कर रहे हैं अगर आप इंटरनेट फ्री दे रहे हैं और ये सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन आप एजुकेशन फ्री नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मैटर है दोस्तों। तो चलिए, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राइट टू रिकॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। राइट टू रिकॉल कैन चेंज द सिनेरियो इन पॉलिटिक्स। आई डू एग्री अनवर अली भाई, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि आई कैन नॉट ऐड यू ऑन माय लाइव सेशन। आई डोंट नो व्हाट द टेक्निकल प्रॉब्लम विद योर मोबाइल और आइदर फ्रॉम माय साइड, आई डोंट नो। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऐड करूंगा। राइट टू रिकॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट टू रिकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि नेताओं को अगर हम चुनते हैं तो ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम नेताओं को उनके पद से हटा भी सकें। ये ऑलरेडी बहुत बार बोला जा चुका है सोमनाथ चटर्जी द्वारा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो बिहार के बहुत बड़े क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो इमरजेंसी के वक्त 1974 जो संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आगाज किया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस तरह के कानून बनना चाहिए एमपी और एमएलए के लिए। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग दो जगह पर इसको लाया भी गया, छोटा छोटा जगह मामलात में, जैसे कि म्यूनिसिपल इलेक्शन में या बहुत सारी चीजों में, बिहार में 2011 में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तीन स्टेट में ऑलरेडी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये तीनों स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था छोटे लेवल पे, जबकि ये होना चाहिए एमपी एमएलए के लेवल पर, क्योंकि सबसे बड़ा कानून बनाने का एमपी एमएलए ही भागीदारी होते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूं आप लोग यकीन के साथ खुद पर, इस देश के भलाई अगर करना चाहते हैं तो इस तरह के टॉपिक पे बात कीजिए। ट्रोल ना बनिए किसी के, केवल बकवास की चीजों में हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। ये आपके पीछे एक स्मोक स्क्रीन तैयार किया जाता है नेताओं के द्वारा कि आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहो। आपके पीछे से क्या पता चलेगा कि हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया रेलवे का, हमने बेच दिया एयरजेट, हमने बेच दिया एयरलाइंस, हमने बेच दिया भेज दिया वाप, कोई आज तक विदेश से भाग कर नहीं आया, माल्या हो गया या मोदी हो गया या कोई हो गया, इस तरह के लोग जो भाग के गए, कोई नहीं। ये आपको केवल ट्रोल बना के रख दिया गया है ताकि आप एक ट्रोल का काम करें और कुछ भी नहीं, आपके पास कोई दूसरा काम ना हो करने को, बेवकूफ बना दिया जाए और आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात ना करें। अभी भी वक्त है दोस्तों, आप देख लो राफेल का मामला कितना बड़ा मामला था, कुछ नहीं। अब तो राफेल का एक पहला खेप भी आ चुका, हमारे यहाँ जहाज आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अब मुद्दा नहीं रह गया क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया। जब इलेक्शन होता है तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे आ जाते हैं देश में, तो आप अपने तरफ से मुद्दा क्यों नहीं देते हैं? हम क्यों नहीं अपने तरफ से मुद्दा देते हैं? मुद्दा ना होगा हमें अपने तरफ से, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए मानवता के लिए, अपने विकास के लिए, अपने विकसित होने के लिए। अदरवाइज आप एक ऑनलाइन ट्रोल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। राइट टू रिकॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ हाई टाइम वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन अवर सोसाइटी, इन अवर democratical system. We need to implement it. We need to introduce it. Otherwise, याद रखिएगा, ये जो कर्नाटका में चल रहा है, ये जो गोवा में चल रहा है, ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी। वहां पे लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। जनता एक कुछ को चुनती है तो वो दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में। हमारे बिहार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी के साथ, आरजेडी से छोड़ के कभी बीजेपी में, फिर बात ये चल रही है कि हो सकता है कि आरजेडी के साथ वो गठबंधन कर लें। आई डोंट नो what's gonna happen in future, but still, I'm telling you guys, this is a very important topic and you have to talk about it all the time. बहुत सारे नेताओं ने इसके बारे में बात किया है कि right to recall is an important law which has to be implemented, which has to be introduced. तो इससे क्या होगा कि जनता को और ताकत मिलेगी और भी हम लोग डेमोक्रेसी को खूबसूरत बना सकते हैं इसके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए लाइव में, और जो लोग जुड़ना चाहते थे, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ूंगा, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट टू रिकॉल के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जय हिंद।